हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 5G के बारे में। ये फ़ोन कैसा है, कैसा चलता है, बूटिंग टाइम क्या है, रेडमी 12 जो आया है वो आपको लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है उससे। आते हैं यहाँ पे MIUI वर्जन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, MIUI 14.0.4, यानी कि ये एंड्रॉयड 13 पे वर्क करता है। तो अब आप जो फ़ोन ख़रीदेंगे तो इसमें आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा, लेकिन अपडेट करने के बाद आपको इसमें 13 मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी है। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इसका जो बूटिंग टाइम है वो, तो इसको सबसे पहले हम ऑफ़ करते हैं फ़ोन को। हम यहाँ पे स्टॉपवॉच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है स्टॉपवॉच। बूटिंग टाइम लगभग 35 सेकेंड के आसपास ये लेता है, जैसे मैंने पहले बूट करके चेक कर चुका हूँ, आपके सामने भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 23 सेकेंड, विंडोज़ का भी जो नॉर्मल SSD होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसमें भी आपको ये 30 सेकेंड हो गया गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ अच्छे से वर्क करता है जो भी है। ब्राइटनेस भी इसका बहुत काफ़ी है, आप जैसे कड़ी धूप में भी इस्तेमाल करते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस मिलने वाला है। कोई भी सॉफ्टवेयर लैगिंग या कोई भी इशू ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल कुछ फ्रिज कर रहा हो, ऐसा कर रहा हो। और इसका जो डिस्प्ले है सुपर एमोल डिस्प्ले है, तो यानी कि जो रेडमी आपका 12 है उससे बहुत ही अच्छा ये फ़ोन है। आपको उसमें नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले के कलर्स हैं और सैचुरेशन हैं बहुत ही अच्छे कमाल के हैं। ब्लैक आपको बहुत ही डीप ब्लैक मिलते हैं। और मुझे इस मोबाइल में एक कमी लगी गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आते हैं वॉलपेपर में, ठीक। तो और हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे VoNR यानी कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो मिलता है, जो 5G का अपना कॉलिंग के लिए बनाया गया है। तो ये आपको अच्छी बात है इसमें। अभी जियो का इस्तेमाल हो रहा है सिम, तो 5G प्लस और स्पीड भी अच्छा है, 100 Mbps के अंडर में आपको ये देता है। तो गाइस ये वॉलपेपर है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर वॉलपेपर सेट करता हूँ, ठीक है, इसको हम करते हैं होम स्क्रीन। तो वॉलपेपर सेट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आपका जो है ना थोड़ा सा स्क्रीन को कटआउट करता है वॉलपेपर। कोई भी आप वॉलपेपर सेट करते हो तो ये जो है स्क्रीन है उसको काट देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा नीचे से जो काट देता है, तो जो इसका सिस्टम वॉलपेपर है तो वो आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें ऐसा कटआउट देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं ऐसा ये बग है क्या है, तो ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो अच्छे हैं, यहाँ पर हम जो फ़ोन का है वॉलपेपर वो सेट कर देते हैं। ये जो सिस्टम वॉलपेपर है उसको सेट करने पे आपको फुल स्क्रीन जो वॉलपेपर मिलता है, नहीं तो यहाँ से कट हो जाता है, ठीक है। बाकी MIUI के जो बहुत ही अच्छे फीचर्स लगते हैं आप यहाँ पे मोबाइल डाटा, लॉक स्क्रीन और ये क्लीनर और टॉर्च, बहुत ही आप मतलब कि स्क्रीन पे रख सकते हो और ईजी टू यूज़ है, ठीक है। तो बाकी इस फ़ोन का जो है बहुत ही जो रैम यूजेज है वो भी हम बात कर लेते हैं गाइस। इसका जो रैम यहाँ पे है आप देख पा लोगे 4GB का फ़ोन है, इसमें 1.5GB अवेलेबल है, यानी कि 1GB तो हमेशा खाली रहता है। तो आप अगर बड़े बड़े गेम खेलते हो या करते हो तो आपको कम से कम 6GB रैम तो लेना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें जो UI है, एनिमेशन है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जो सैम्पलिंग रेट है 120 हर्ट्ज जो भी है
तो वो भी अच्छे से काम करता है, लगभग हर एक ऐप में करता है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसको हम ऑन कर लेते हैं। शो रिफ्रेश रेट इधर है, पता नहीं, शो रिफ्रेश रेट यहीं पे होगा आसपास। यहाँ पे है शो रिफ्रेश 120, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे कोई इस्तेमाल कर लेते हैं ऐप, जैसे क्विक पिक 120 का मिल रहा है आपको, यूट्यूब म्यूज़िक इसमें भी आपको 120 का मिल रहा है, गूगल पे आपको भी, इसमें भी सब में लगभग आपको 120 का मिलता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब इसमें भी 120 का मिलता है, एक दो गेम कर रखा है हमने वो भी देख लेते हैं, इसमें भी आपको 120 का मिलता है आर्टिस्ट। तो सारे लगभग एप्लीकेशन में आपको 120 का मिलेगा आर्टिस्ट, जबकि इसमें फ़ोन में दिया गया है तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, स्विगी देख लेते हैं, इसमें भी आपको मिल रहा है 120 का, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जो सैम्पलिंग रेट है जो दिया है उस पर वो अच्छे से काम करता है। फ्लिपकार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इसका जो एनिमेशन है बहुत ही लाइट है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, कोई लैगनेस नहीं है। ठीक है, इसका वाइज जो बैटरी बैकअप है बहुत ही शानदार है, मतलब जो फास्ट चार्जिंग दिया गया है 1 घंटे और 15 से 20 मिनट में, 1.25 घंटे में आपका जो बैटरी है फुल करता है, और बैटरी आराम से एक दिन चलता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बैटरी ड्रेन नहीं है, और 1% पे भी अगर बैटरी होता है तो कुछ देर आपको चल जाता है, 10 से 15 मिनट तक, तो बैटरी से कोई शिकायत नहीं है। उसके गाइस जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी आपको शानदार मिलता है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी अच्छे से काम करता है, आप आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। काफ़ी दूर से ही करने पे आपको ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो मिला जुला के जो ये फ़ोन है बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक, और सॉफ्टवेयर अपडेट से आपको जो है अपडेट एंड्रॉयड 13 पे अभी वर्क कर रहा है लेटेस्ट जो है, एंड्रॉयड वैसे 14 भी आ चुका है, लेकिन देखते हैं MIUI में कब तक आता है। रेडमी हमारा नोट 13 प्रो है, उसमें भी आपका जो है एंड्रॉयड 13 है, पता नहीं क्यों 14 तो कम से कम मिलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 14-15 के चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं, हमारा बस जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चाहिए और स्टेबल चाहिए जो भी है फ़ोन। तो ये फ़ोन अगर आप मेरे से पूछें कि रेडमी जो है 12 लेना चाहिए या नोट 12 5G लेना चाहिए, तो गाइज़ आँख बंद करके आप रेडमी नोट 12 5G पे जा सकते हो, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। आपको जो है डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही शानदार मिलेगी, चार्जिंग भी बहुत अच्छी है, और 120 Hz का जो आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है वो बहुत ही आपको यूज़ करने में बहुत ही शानदार लगेगा। ठीक है, कोई भी ऐप हो, हॉटस्टार भी आपका 120 Hz में चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार मिलने वाला है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो रेडमी 12 को छोड़ के आप रेडमी नोट 12 5G पे आप जा सकते हो आँख बंद करके, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो गाइस ये था छोटा सा रिव्यू इस फ़ोन के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको बता दिया होगा मैंने। अगर कुछ भी डाउट होता है इस फ़ोन के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।